मुक्ति और पूरा होगा। देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। जय जवान जय किसान। नमस्कार, मैं चंदा कारपेंटर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। आज जैसा कि किसानों ने 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको अभियान की शुरुआत की थी, पूरे देश भर में किसानों का रेल रोको आह्वान किया गया था, जिसे लेकर जो अपडेट्स हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश की ग्वालियर संभाग में इसका ज्यादा असर दिखाई दिया है, जिसमें ग्वालियर के डबरा में पटरी पर बैठकर किसानों ने प्रदर्शन किया और जिसे पुलिस बल तैनात ने किसानों को गाड़ी में भरकर बैठाया और वहां से हटाया गया। और साथ ही दूसरी जगह की बात कर ले हम, रीवा, सिंगरौली और बरगांव की बात कर ले तो वहां पर पुलिस की तैनाती को देखते हुए और सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो थे वहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात थे, जिसे लेकर किसानों ने रेलवे मास्टर को ज्ञापन सौंपकर वो वापस लौट गए। और साथ ही विदिशा की बात कर ले तो विदिशा में भी पुलिस बल तैनात थे। और देवास की बात करें तो वहां पर जो है किसानों ने रेलवे ट्रैक से बाहर बैठकर अपना प्रदर्शन जाहिर किया है। तो इस तरह से किसान आंदोलन जो है दिल्ली बॉर्डर पर, उसे पूरे 85 दिन हो गए हैं। जो 3 नए कृषि कानून आए हैं उनके खिलाफ किसानों का आंदोलन बिल्कुल अब तक 85 दिन तक जारी है। और इसमें पूरे देश की बात कर ले तो ज्यादा पंजाब और हरियाणा में इसका असर देखा गया है, और वहीं राजस्थान के भी कुछ जयपुर और आसपास के इलाकों में ट्रेन रोकी गई। तो वहीं अपने मध्य प्रदेश में इसका ज्यादा असर नहीं दिखाई दिया है, सिर्फ ग्वालियर संभाग में इसका असर दिखाई दिया है। तो इस तरह से हर अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ एमपी।